ये क्वेश्चन आपके कवर पे डाल रखा है, ये क्वेश्चन कवर पे भी है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ चुका क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या है ना, देखो रॉल्स थ्योरम होल्ड विथ, आपको ये नहीं करना, कंडीशन आपको चेक नहीं करना है कि फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर उसके क्लेम पे जाना, ऐसा नहीं करना। ये ऑलरेडी होल्ड्स, सारे क्लेम इसका वेरीफाई हो चुका, सब कुछ हो चुका इस वाले पॉइंट पे, बस आपको ए एंड बी फाइंड आउट करना है। कंडीशंस आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ए एंड बी फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा रॉल्स के कंडीशंस वगैरह जहाँ से भी, मुझे बस ए एंड बी चाहिए। तो जरा एक बात बताओ, ये देखो सबसे पहले तो अगर ये क्लेम इसका होल्ड कर रहा, दैट मीन्स ऑल कंडीशंस सेटिस्फाई हो चुका। देयरफोर सॉल्यूशन देखिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये भी सेटिस्फाई कर चुका होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो कंडीशंस, क्लेम इसका फुलफिल हो रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका है, इट मीन्स ये वाला भी प्रोसेस इसका ओके हो चुका ना। तो यहाँ से एफ वन, बस हमें वो चीज़ उठानी है जिससे हमें ए एंड बी का वैल्यू मिल जाए ना। तो वन थ्री वन रखिए यहाँ पे, वन एक्स की जगह वन रख के देखो तो क्या हो जाएगा, वन प्लस बी प्लस ए हो गया। अब थ्री रख के देखो, 27 प्लस 9b एंड प्लस 3a, राइट, सबको उधर लेके आओ, 3a तो ये हो गया 2a प्लस 8b इक्वल टू माइनस 26, 27 को उधर लेके आओ, चले आओ, तो a प्लस 4b इक्वल टू माइनस 30। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन जरा एक बार बताओ, f डैश c को तुम क्या करते हो, जीरो ना, है ना। तो पहले मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, पहले मैं एफ डैश एक्स कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2bx प्लस a, तुम देख रहे हो। अभी मैं c रखूँगा ना तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी, तो पहले आप x निकालो, x कैसे निकालते हो, x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 4b² माइनस 4 12a, मानते हो कि नहीं, 2 इंटू ए 6 हो गया, है ना। अब जरा देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा फिर, माइनस 2b, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ से हमने एक्स निकाला था, तो यहाँ पे सी क्या होगा फिर, सी देख रहे हो, ऐसे तो निकालते हो ना एफ डैश एक्स, एक्स अगर ये जीरो होता तो एक्स ऐसे निकालते, तो बस यहाँ पे सी रख दीजिए आप, प्लस माइनस 4b² माइनस 12a अपॉन 6, क्लियर। अब c का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा, कितना दे रखा वो देखो, 2 प्लस 1/√3 इक्वल टू माइनस 2b, ये देखो 6, प्लस माइनस 4b² माइनस 12a अपॉन 6। अब कंपेयर करना है रैशनल को रैशनल के साथ, यहाँ पे प्लस एक ही वैल्यू है तो प्लस यूज करो। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से b को फ्री करके देखो, 2 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2b बाई 6, यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 6। अब 1/√3 ये क्लियर हो गया तुम्हारा, देख लो। अब मैं a निकालता हूँ, इरेशनल को इरेशनल के साथ कंपेयर करके देखिए आप, मैं वहाँ से मिटा देता हूँ सारी चीज़ें, देख लो, है ना, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ये फालतू में चला गया। अच्छा हो गया कि हाँ आ गया ना बी, चलो ये से निकाल लो, है ना, ज़रूरत पड़ेगी भाई। इक्वेशन वन, ए प्लस 4b इक्वल टू माइनस 13, ए मालूम नहीं, 4 इंटू माइनस 6 इक्वल टू माइनस 13, तो a इक्वल टू यहाँ से 11 आ जाएगा, है ना। हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्यों, अगर मान लो ये नहीं भी बनाया होता, फिलहाल तो आंसर तुम्हारा आ गया, अगर ये नहीं भी बनाया होगा तो यहाँ से आ जाता। कंपेयर करते आप इरेशनल को इरेशनल के साथ, यहीं पे 1/√3 इक्वल टू 1/√3 को इससे क्या, 4b² माइनस 12a अपॉन क्या, 6, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4b² माइनस 12a अपॉन क्या, 6। अब आप b की जगह क्या रखने वाले हो, माइनस 6, तो 1/3 इक्वल टू माइनस 6 रखो, तो ये 144 हो जाएगा माइनस 12a। अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये 36 हो गया अपॉन 36 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 से कैंसिल करो, यहाँ से भी a निकाल के देखोगे तो 11 ही आएगा, क्लियर है, कैसे भी कर लो आप, ठीक है। ये आ चुका क्वेश्चन है, ये मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है।